पांच मैचों में महज 22 रन बनाने के बाद पाक के खिलाफ 148 रनों की वो ताबड़तोड़ पारी टीम इंडिया में दशकों से चली आ रही एक कमी का अंत था। इस पारी के बाद लंबे बालों वाला वो लड़का पूरे भारत की एक सनसनी बन चुका था। मीडिया, न्यूज, आर्टिकल, अब हर जगह एक ही नारा गूंज रहा था, महेंद्र सिंह धोनी। अब भारत के पास भी अपने दस्तानों से मैच पलट देने वाला ब्रह्मास्त्र था, जिसके पास दस्तानों से मैच पलट देने की ताकत थी। इसी ताकत, इसी ब्रह्मास्त्र से दशकों से चली आ रही इंडियन टीम में एक कमी का अंत था और इसी ब्रह्मास्त्र के साथ शुरू होती है उस लड़के की अग्नि परीक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड, कहानी महेंद्र सिंह धोनी के अग्निकांड की। 2003 का वो फाइनल और उस फाइनल की ये तबाही भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे दर्दनाक पलों में से एक था। इस हार से भारत का 20 वर्षों से चला आ रहा कप का तप अभी भी बरकरार था। भारतीय क्रिकेट इतिहास में कपिल के बाद कई कप्तान आए, परंतु कप का वनवास अभी भी जारी था। ऐसे में इंडिया के सामने था 2007 और 2007 का ओडीआई वर्ल्ड कप। 24 साल से चले आ रहे उस सूखे का अंत 2007 के वर्ल्ड कप में हो सकता था। कप का वनवास भारत के लिए खत्म हो सकता था, परंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था, कुछ ऐसा जो हमें नहीं मंजूर था, जो भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को मंजूर नहीं था। इतिहास के गर्त से आरंभ ये पटका था, अब और रोमांचक हो चुकी थी, क्योंकि टीम इंडिया वेस्टइंडीज के लिए अब भारत से रवाना हो चुकी थी। द्रविड़ की अगुवाई वाली ये टीम इंडिया जयबल के साथ कुदरत का निजाम बदलने के लिए अब पोर्ट ऑफ स्पिन में थी। सचिन, सहवाग, गांगुली, धोनी, जाहिर, युवराज, हरभजन सिंह जैसे दिग्गजों से लैस ये टीम इंडिया 125 करोड़ भारतवासियों की उम्मीद थी। सिर्फ इस उम्मीद के सहारे इस बार ये वर्ल्ड कप हमारा है। वर्ल्ड कप के दोनों वार्म अप मैच जीतने के बाद टीम इंडिया से उम्मीदें और बढ़ चुकी थी। अब इंडियन मीडिया उम्मीदों से पुल बांध रहा था। संपूर्ण भारत अब वर्ल्ड कप के इंतजार में था। सबकी निगाहें, सबकी उम्मीदें सिर्फ एक लाइन पर टिकी थी, काश ये वर्ल्ड कप हमारा हो। परंतु 17 मार्च 2007 पोर्ट ऑफ स्पेन के इस मैदान पर टीम इंडिया का वर्ल्ड कप कैंपन प्रारंभ होता है। वर्ल्ड कप का पहला मैच टूर्नामेंट की सबसे कमजोर टीमों में से एक बांग्लादेश से था। टीम इंडिया बांग्लादेश को हराकर वर्ल्ड कप में अपनी जगह मजबूत करना चाहती थी, परंतु इंडियन क्रिकेट इतिहास में कुछ ऐसा होता है जो उससे पहले कभी नहीं हुआ था। टीम इंडिया कमजोर बांग्लादेश के सामने पहला मैच हार जाती है और इस हार के बाद सब कुछ खत्म हो चुका था। इस मैच में कप्तान राहुल द्रविड़ टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय किया। कप्तान का यह फैसला टीम इंडिया के खिलाफ गया। गांगुली और युवराज के अलावा कोई भी भारतीय बल्लेबाज बांग्लादेशी गेंदबाजों का सामना न कर पाए। इन दो बल्लेबाजों के अलावा संपूर्ण टीम इंडिया घुटने टेक चुकी थी। इंडियन टीम के बल्लेबाजों का यह शर्मनाक प्रदर्शन भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों का दिल दहला रहा था। न सचिन, न सहवाग, न द्रविड़, न धोनी, कोई भी भारतीय बल्लेबाज टीम इंडिया की उम्मीदों में खरा नहीं उतरा। बांग्लादेश ने भारत को 5 विकेट से हराया। इंडिया बांग्लादेश से वो मैच हार ही गया। उस वर्ल्ड कप का पहला मैच इंडिया हार गया। सिर्फ दो बल्लेबाजों के अलावा बाकी सभी बल्लेबाज सिंगल डिजिट स्कोर का शिकार हो चुके थे। 24 सालों से चले आ रहे उस सब्र की हदें अब पार हो चुकी थी। टीम इंडिया उस दिन बांग्लादेश के सामने मैच 50 ओवर भी नहीं खेल पाती और 191 रनों पर ऑल आउट हो चुकी थी। टीम इंडिया के 191 के जवाब में बांग्लादेश ने मैच 5 विकेट खो करके टीम इंडिया को करारी शिकस्त थमा दी। बांग्लादेश ने मैच 5 विकेट खो करके इस लक्ष्य को अचीव कर लिया था। मुनाफ पटेल की बॉल पर मुशफिकुर रहीम का ये शॉट इंडियन फैंस का दिल दहला रहा था। 125 करोड़ लोगों में से 15 लोगों की टीम वर्ल्ड कप खेलने गई थी और उन 15 लोगों की ये दर्दनाक परफॉर्मेंस 125 करोड़ लोगों का सपना तोड़ रहा था। ये 15 लोग 125 करोड़ लोगों के सपनों को ध्वस्त कर रहे थे। इस हार से टीम इंडिया के लिए सब कुछ बदल चुका था। इन प्लेयर्स को भगवान मानने वाले ये लोग अब इन प्लेयर्स पर पत्थर बरसा रहे थे। टीम इंडिया को सपोर्ट करने वाले ये क्रिकेट प्रशंसक अब सड़कों में उतर चुके थे, कहीं इन प्लेयर्स के पुतले जलाए जा रहे थे। परिवार में अटैक्स हो रहे थे। इस हार के बाद भारत में एक अलग ही माहौल था। इस हार के सबसे बड़े विलेंस की सूची तैयार की जाती है। इस मैच को किसने हराया, ये
ये डिबेट प्रारंभ की जाती है। इस हार का कौन जिम्मेदार है, इस हार की क्या वजह है, ये सवाल खड़े किए जाते हैं। सचिन, सौरभ, द्रविड़, सहवाग जैसे दिग्गजों से भरी टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर लौट गई थी। पूरा देश निराश था, हर कोई प्रदर्शन कर रहा था, लोग सड़कों पर उतरे, खिलाड़ियों के पुतले फूंके गए, खिलाड़ियों के घर पर पत्थर भी फेंके गए। हालात इतने खराब थे कि खिलाड़ियों को पुलिस प्रोटेक्शन में घर पर लाया गया। लेकिन इन्हीं विलेंस इन्हीं डिबेट के बीच में एक ऐसा भी विलेन था जिसके लिए ये हेट, ये दर्द पहली बार था, जो पहली बार ये दर्द देख रहा था। वतन का हीरो बनने आया वो शख्स अब वतन का सबसे बड़ा विलेन बन चुका था। जिससे उम्मीदें थी वो अब भारत का कलंक बन चुका था। कहानी अगर उसकी यहीं खत्म हो जाती तो दुनिया कहती कि वो विश्व विजेता कैसा, लेकिन उसकी कहानी इस दर्दनाक पलों में भी खत्म नहीं हुई, वो अभी भी बाकी था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तकरीबन 200 लोग माही के घर को घेर चुके थे। घर के चारों तरफ कुछ पत्थर बरसा रहे थे। जिन गलियों से वो इंसान आया था वहाँ का ये बर्ताव उसके लिए एकदम नया था। खबर आती है कि उसके पेरेंट्स को पुलिस प्रोटेक्शन में रखा गया है क्योंकि उनका घर से बाहर निकल पाना अब मुश्किल था। वर्ल्ड कप के दौरान टीम इंडिया के प्रशंसकों का ये बर्ताव इन प्लेयर्स के लिए बेहद भयानक था, क्योंकि टीम इंडिया के हार से नाराज ये क्रिकेट प्रशंसक जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कहीं इन प्लेयर्स के पुतले फूंके जा रहे थे तो कहीं इन प्लेयर्स को खुलेआम गालियां दी जा रही थी। क्रिकेट को धर्म मानने वाला ये देश क्रिकेट में मिली एक हार से आग में झुलस रहा था। प्रदर्शनकारी खुलेआम सड़कों में इन प्लेयर्स के पुतले दफना रहे थे। क्रिकेट को भगवान देने वाला ये वतन एक वर्ल्ड कप को तरस रहा था। पिछले 24 सालों से चला आ रहा वो सब्र, अब उस सब्र का बांध गुस्से में तब्दील हो चुका था। ये प्रदर्शन, ये हमला हर उस प्लेयर के घर में हो रहा था जिसने उस दिन बांग्लादेश के खिलाफ शर्मनाक परफॉर्मेंस दी थी। जगह जगह से सिर्फ एक ही खबर, एक ही न्यूज आ रही थी, विश्व कप खेलने गए हर बड़े प्लेयर के घर में। पूरे देश का विश्वास खो चुकी ये टीम बांग्लादेश के खिलाफ शर्मनाक हार के बाद बरमुडा के खिलाफ अगला मैच जीत जाती है। लेकिन टीम इंडिया को सुपर 8 में अपनी जगह बरकरार रखने के लिए श्रीलंका के खिलाफ अगला मैच जीतना बेहद जरूरी था। ऐसे में टीम इंडिया लीग स्टेज का आखिरी मैच श्रीलंका के खिलाफ खेलने के लिए मैदान में उतरती है। कप्तान राहुल द्रविड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया और टीम इंडिया के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका की पूरी टीम को 254 रनों पर रोक दिया। लेकिन इस लक्ष्य का जवाब देने उतरी टीम इंडिया मैच 195 रनों पर बिखर जाती है। संपूर्ण टीम इंडिया मैच 195 रनों पर ऑल आउट हो चुकी थी। टीम इंडिया का ये वर्ल्ड कप सफर लीग स्टेज में खत्म हो चुका था। ये हार, ये पल टीम इंडिया के क्रिकेट प्रशंसकों के लिए बेहद दर्दनाक थे। सचिन, सहवाग, राहुल, गांगुली, धोनी, युवराज जैसे दिग्गजों से लैस यह टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ हार करके लीग स्टेज से बाहर हो चुकी थी। वर्ल्ड कप जीतने गई ये टीम इंडिया सिर्फ बरमुडा से जीत पाती है। दशकों से चला रहा वो तब वो वनवास अभी भी जारी था। टीम इंडिया की ये हार टीम इंडिया के लिए करारी थी। टीम इंडिया की ये हार, टीम इंडिया के लिए ये पल हमेशा हमेशा के लिए यादगार होने वाले थे। वर्ल्ड कप जीतने का सपना देख रहा ये भारत मैच 8 दिनों में वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका था। 125 करोड़ भारतवासियों के आंखों में आंसू थे, उनके चेहरे में असहनीय दर्द था। हमने एक वर्ल्ड कप ही तो मांगा था, वो भी ये दे ना सके। अब संपूर्ण भारत हार मान चुका था, उसके चेहन में ना उम्मीद थी और ना ही वर्ल्ड कप जीतने की अभिलाषा। अब संपूर्ण भारत हार मान चुका था। अपने वतन की इस हार से एक इंसान बेहद परेशान था जो इन दोनों हार का सबसे बड़ा विलेन था। ऐसे में वो इंसान अब अंदर से टूट चुका था क्योंकि वो ना तो वतन का सपना पूरा कर पाया और ना ही वतन की उम्मीदों को संभाल पाया। इस बात का दर्द उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। वर्ल्ड कप जीतने गया वो माही एक बार फिर से खाली हाथ आया था। अपनी आंखों के सामने वो इंसान अपने वतन की उम्मीदों को टूटते हुए देख रहा था। भारत वापसी के बाद उसके साथ जो बर्ताव होता है उससे वो और भी तहल चुका था। कहा जाता है कि माही को पब्लिक से बचाने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन में रखा जाता है। उस भीड़ का वो आक्रोश उसके रोंगटे खड़े कर रहा था। उस 26 वर्षीय माही के लिए उस भीड़ का ये बर्ताव उसके लिए एकदम नया था। रातों रात सनसनी बनने वाला वो प्लेयर अब वतन की नजरों में अपराधी बन चुका था। Media cars around us with their camera and the big light on top, and you know it felt as if we have committed some kind of a big crime, you know, maybe like a murderer or terrorist or something like that. And we were actually chased by them. ऐसे में टीम इंडिया के सामने थे सिर्फ 6 महीने और 6 महीने बाद एक और वर्ल्ड कप और उसके पास एक आखिरी मौका खुद को साबित करने का।
ऐसे में टीम इंडिया के सामने कई सारे सवाल थे। अगले 6 महीनों में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का कप्तान कौन होगा, कौन होगा जो टीम इंडिया का कोच बनेगा। कुछ ऐसे ही सवाल कुछ ऐसे ही पलों में प्रारंभ होती है एक नई कहानी। अगर उस कहानी को हमारी आवाज हमारे अंदाज में सुनना है तो सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री को, क्योंकि यहाँ ऐसी कहानियाँ ऐसे किस्से हमारी आवाज में आते रहेंगे। एंड अगर आपको हमें अपनी कोई क्रिकेट कहानी सुनाना है या चाहते हैं कि हम आपके फेवरेट प्लेयर पर कोई कहानी लेकर आए तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। हमारे इंस्टा के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।